सर आपका बिल 1150। जी सर। सॉरी मेरे पास कैश नहीं है। नो इशू सर, आप कार्ड दे दीजिए। जी सर, ये कार्ड चल नहीं रहा है। क्या बात कर रहे हो, बट ट्राई करो फिर से। आप ठीक से किया है, मैंने दो बार ट्राई कर लिया सर। मैं दूसरा कार्ड देता हूँ आपको, बट ये ट्राई करो। माफ कीजिएगा सर, ये भी कार्ड आपका चल नहीं रहा है, मैंने काफी कोशिश की इसमें। ये हो क्या रहा है? एक और कार्ड है मेरे पास, आप वो जाके एक बार ट्राई कर लो। सॉरी सर, ये कार्ड का ब्लॉक बता रहा है। भाई क्या बकवास कर रहे हो आप, अब जाके अपने मशीन को एक बार दिखवाओ बढ़िया से। सर सुबह से उसी में पेमेंट हो रही है सभी। मैं एक बार अपने बैंक में बात कर लेता हूँ। हाँ हेलो अविनाश यार, मेरे सारे कार्ड ब्लॉक दिखा रहे हैं। अरे मैं आया था रेस्टोरेंट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो बिल पे करने के लिए कार्ड यूज कर रहा हूँ तो ब्लॉक है। क्या मसला ये यार, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे बैंक के साथ लगभग 5-6 साल से जुड़ा हूँ और मैं 3 किस्त पे नहीं कर पाया तो तुम मेरे सारे कार्ड ब्लॉक कर दोगे? यार कैसी बातें कर रहे हो तुम यार, तो ऐसे में मैं ट्रांजेक्शन कैसे कर पाऊंगा? ओह शिट यार, मतलब ये सब उस खन्ने की वजह से हो रहा है। भाई देखो मैं बात करता हूँ खन्ना से। चलो ठीक है। यार दीति, वो क्या है ना कि मैंने तुम्हें बताया था कि खन्ना के साथ मिलकर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। मैंने उसे एक ब्लैंक चेक दिया था और बोला था कि तुम जाके वो बैंक में 1 महीने बाद देना, बट उस खन्ने ने 2 दिन के अंदर ही वो चेक दे दिया। मेरा किस्त भी बाकी था 3 मंथ का और ब्लैंक चेक बाउंस होने के कारण मेरा सारा कार्ड, बैंक अकाउंट, सारा चीज बैंक वालों ने ब्लॉक कर दिया है। तो अब तुम पेमेंट कैसे करोगे? यार दीदी मेरे पास कैश नहीं है और सारा कार्ड ब्लॉक है। एक काम करते ना बेबी, तुम बिल पे कर दो आज। मैं बिल पे करूं? मैं क्यों बिल पे करूं? और डेट पे हम दोनों आए हैं और जब भी कोई डेट पर जाता है तो लड़का ही पहले बिल पे करता है, मैं नहीं करूँगा कोई बिल पे। यार दीदी कैसी बातें कर रहे हो, मेरी ऐसी आदत है नहीं कि मैं अपने किसी भी फ्रेंड से पैसे वैसे लूं। तुम बिल पे कर देती तो सही रहता, हमारी तो अब शादी भी होने वाली है ना, और मेरा पैसा क्या तुम्हारा पैसा क्या, दोनों पैसा तो एक ही है ना, तुम में और मुझ में क्या अंतर है? बिल पे करूं मैं या फिर तुम? अच्छा तुम बिल छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने 3 महीने से क्यों नहीं किस्तें भरी थी, ऐसे भी क्या आफत आ गई थी तुम पे? अदिति जब से हमारी शादी फिक्स हुई तब से मैं सोचा कि शादी करके मैं सीधे अपने नए घर में शिफ्ट होऊंगा, और तुम्हें तो पता ही है कि नए घर लेने में कितने सारे पैसे खर्च होते हैं। मैं क्या किया कि मेरे पास जितने सेविंग थे सारे मैंने एक बिजनेस में डाल दिया खन्ना के साथ, जिस कारण से मुझे लगभग 20-25 एम्प्लॉय हायर करने पड़े और स्टार्टिंग में बिजनेस इतना रन कर नहीं पाया कि मैं एम्प्लॉय को पेमेंट करूं। उसके बाद जो भी मेरे पास सेविंग रखे थे मैं सारे पैसे एम्प्लॉय के सैलरी में लगाता गया। अब मेरे पास इतने पैसे है नहीं कि मैं किस्त पे करूं जाकर, जिस कारण से मेरे बैंक वालों ने देख लो क्या हाल किया आज। और जो टाइम चल रहा है ना मेरे लिए शायद अभी सही नहीं है, मगर हाँ मुझे इतना यकीन है कि जब मेरी तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मेरा दिन बदलेगा और सब चीज़ अब अच्छा होगा। अब
मुझे सच बताऊं तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हाँ, मुझे मगर इतना यकीन जरूर है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो शायद मेरा किस्मत बदलेगा, तो मेरे घर की लक्ष्मी बन के आओगी और फिर से मेरे लिए सब चीज़ अच्छा होगा। शादी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें शादी क्यों कर रही थी? क्योंकि हम दोनों का लेवल सेम था, हम दोनों एक ही लेवल पे थे। लेकिन अब तुम पूरे गरीब बन चुके हो, तुम मेरे लेवल के बिल्कुल भी नहीं हो। मेरा लेवल तो वही सेम रह गया, लेकिन तुम्हें पता भी है मैं कहाँ डायमंड रिंग पहनने वाली, मैं कहाँ कारों में बैठने वाली। मैं तुमसे शादी करूंगी और मैं जॉब करूंगी, सोचना भी मत कभी भी। अदिति, ये क्या बातें कर रही है? आज मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम ऐसे करोगी? तुम शादी करने से मना कर रही हो? हाँ, क्योंकि पहले ना हम दोनों का लेवल सेम था, लेकिन अब मेरा लेवल तो वही रह गया, लेकिन तुम्हारा लेवल तो पूरा गिर चुका है। इसलिए अब मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती हूँ। और हाँ, ये ना पेमेंट तुम खुद देख लेना, मैं जा रही हूँ। ओके सर, आपका बिल मैं पे कर देता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे भाई, बट उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी कैश है। ये आपके 1150 और ये 100 रुपये आपके लिए। वो क्या है ना मेरे भाई, मैं ना इससे बहुत प्यार करता था। 2 महीने बाद हम लोग की शादी थी और लगभग पिछले 7-8 महीने से हम लोग साथ में रहते थे। मैंने सोचा कि शादी से पहले इससे थोड़ा सा आजमाऊं। मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे एक लॉयल्टी टेस्ट करूं। मगर क्या हुआ, नतीजा तुम्हारे सामने है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरे भाई कि ये लड़की मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती थी। बस यही सब कुछ, आज नतीजा तुम्हारे सामने है। सर बिल्कुल सही किया आपने, आज की जनरेशन में अजमाना भी बहुत ज़रूरी है कि वक्त कौन सा कब किस टाइम आ जाए पता नहीं लगता, कौन साथ निभा रहा है कौन नहीं निभा रहा है।